ब्रॉट टू बाय बैद्यनाथ काओ घी। बैद्यनाथ काओ घी, देसी गाय का घी, इस त्यौहार नो मोर सिंग नो टू मिठाई। दिबाकर बैनर्जी 2019 में नेटफ्लिक्स के लिए एक फिल्म बना रहे थे, उसका नाम था फ्रीडम। 2020 में वो फिल्म बनाकर उन्होंने नेटफ्लिक्स को सौंप दी। इस बात को 3 साल बीत चुके मगर उस फिल्म का क्या हुआ किसी को नहीं पता। डेडलाइन को दिए इंटरव्यू में दिबाकर ने बताया कि नेटफ्लिक्स ने उनकी फिल्म को रोके रखने की कोई ठोस वजह नहीं बताई। उन्हें बस ये बताया गया कि फ्रीडम को रिलीज करने का ये सही वक्त नहीं है। अगर पिक्चर थिएटर्स में आनी होती तो बात समझ आती। पैंडेमिक आया, पिक्चरें नहीं चली, ना दर्शक मिले ना खरीदार, मगर फ्रीडम तो OTT पर आनी थी। दावा है कि नेटफ्लिक्स डर के मारे फ्रीडम को अपने प्लेटफॉर्म पर रिलीज नहीं करना चाहती। ये सारा फसाद शुरू हुआ 2021 में अमेजॉन प्राइम वीडियो के शो तांडव की रिलीज के बाद। इस सीरीज के एक सीन पर हंगामा खड़ा हुआ। कहा गया कि तांडव हिंदू देवताओं का मजाक उड़ाती है, लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करती है। इस शो को लेकर हुए विवाद ने तूल पकड़ लिया। एक्सट्रीमिस्ट हिंदू संगठनों ने कहा कि इस शो के और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की पुलिसिया जांच होनी चाहिए। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने शो को बैन करने की मांग की। देश के अलग अलग राज्यों में इस शो के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी गई। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ये मामला इतना बढ़ गया कि अमेजॉन प्राइम वीडियो के टॉप एग्जीक्यूटिव को अंडरग्राउंड होना पड़ा। उन्हें अपना पासपोर्ट भी पुलिस के हवाले करना पड़ा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भी इस शो के कुछ हिस्सों पर आपत्ति जाहिर की। इसके बाद इस सीरीज के डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने बिना शर्त माफी मांग ली। उन्होंने ये भी कहा कि शो के जिस हिस्से से लोगों और मंत्रालय को दिक्कत है वो उसमें बदलाव करेंगे। ये महज एक शो और उसके ऊपर हुआ साधारण विवाद नहीं था। इस कॉन्ट्रोवर्सी ने इंडिया में OTT की दुनिया को हिला दिया, उसके काम करने के तरीकों को बदल दिया। इसी घटना के बाद भारत सरकार सेल्फ रेगुलेशन का नया सिस्टम लेकर आई। इसमें कहा गया कि जिन शोज या कंटेंट को लेकर दर्शक शिकायत करते हैं 15 दिनों के अंदर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म उन शिकायतों का समाधान करे, वरना इंडस्ट्री के लोगों या अलग अलग मंत्रालयों द्वारा बनाई गई सरकारी समिति के हाथों जांच का सामना करने के लिए तैयार रहें। कहा गया कि ये फैसला सरकार की आलोचना को रोकने के मकसद से नहीं लिखा गया है, ना ही इसका लक्ष्य भारत की सामाजिक या धार्मिक मतभेद पर होने वाली चर्चा को बैन करना है। ये सिस्टम सिर्फ OTT प्लेटफॉर्म पर फैली अभद्र भाषा और अश्लीलता को कम करने के लिए लाया गया है। इसके बाद से देश में ऑपरेट होने वाले तमाम OTT प्लेटफॉर्म सचेत हो गए। वो खुद को विवादों से दूर रखने के लिए किसी भी तरह का पॉलिटिकली चार्ज्ड या धार्मिक मसले पर बना कंटेंट रिलीज करने से कतराने लगे। नतीजतन अमेजॉन प्राइम वीडियो की सीरीज पाताल लोक का दूसरा सीजन बनाने से रोक दिया गया। अनुराग कश्यप नेटफ्लिक्स के लिए सुकेतु मेहता की किताब मैक्सिमम सिटी पर 3 पार्ट में एक सीरीज बनाने वाले थे, उसे नेटफ्लिक्स ने कमीशन करने के बाद बनाने से रोक दिया। अनुराग के ही शो सेक्रेट गेम्स का 3रा सीजन भी इसी डर से नहीं बनाया गया। AIB फेम गुरसिमरन खांबा के पॉलिटिकल सटायर शो गारमेंट को अनिश्चितकाल तक के लिए शेल्फ कर दिया गया। नेटफ्लिक्स ने खूब पैसे खर्च करके इंदिराज इमरजेंसी नाम की एक डॉक्यूमेंट्री बनवाई थी। विक्रमादित्य मोटवानी डायरेक्टेड इस डॉक्यूमेंट्री को नेटफ्लिक्स ने अपने प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने से इनकार कर दिया। हाल ही में इस डॉक्यूमेंट्री को मुंबई फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया। इसी लिस्ट में 6ठा प्रोजेक्ट है फ्रीडम, हालांकि अब इसका नाम बदलकर टीज कर दिया गया है। ये इंडिया में रहने वाले एक मिडिल क्लास मुस्लिम परिवार की कहानी है। ये कहानी 3 जनरेशन में घटती है जिसे अलग अलग कालखंडों में तोड़कर दिखाया गया है। फिल्म का पहला हिस्सा 1990 के कश्मीर में घटता है जब कश्मीरी पंडितों का विस्थापन हुआ। फिल्म का दूसरा सेगमेंट मुंबई में सेट है, जहां इस फैमिली की एक लड़की आज के समय के मुंबई में अपार्टमेंट खरीदना चाहती है मगर इसमें उसका धर्म आड़े आ रहा है। कहानी का तीसरा भाग आज से 25 साल आगे भविष्य में घटित होता है, जहां इसी परिवार का एक लड़का अपना लिखा नॉवल छपवाने के लिए संघर्ष कर रहा है। इस फिल्म की मदद से उस परिवार और भारत के आइडियोलॉजिकल और सेक्सुअल इतिहास पर बात होती है। टीस में नसीरुद्दीन शाह, कल्कि केकलान, मनीषा कोयराला, हुमा कुरैशी, जोया हुसैन, शशांक अरोड़ा, दिव्या दत्ता और नीरज काबी जैसे एक्टर्स ने काम किया है। इस फिल्म को दिबाकर बैनर्जी ने डायरेक्ट किया है। फरवरी 2023 में डेडलाइन को दिए इंटरव्यू में दिबाकर ने अपनी फिल्म टीस के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि उनकी फिल्म उतनी पॉलिटिकल भी नहीं है, बावजूद इसके नेटफ्लिक्स उसे अपने प्लेटफॉर्म पर रिलीज नहीं कर रही है।
ना ही वो लोग उस फिल्म को फिल्म फेस्टिवल में दिखाने की इजाजत दे रहे हैं। हालांकि नेटफ्लिक्स ने ये छूट दी हुई है कि दिबाकर अपनी इस फिल्म का लिंक उन्हें भेज सकते हैं जो इसे खरीद कर रिलीज करवाना चाहते हैं। इसका मतलब साफ है कि वो भविष्य में भी अपने प्लेटफॉर्म पर ये फिल्म रिलीज नहीं करना चाहते। मगर वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस बारे में दिबाकर को कुछ नहीं बताया गया। डेडलाइन के साथ इंटरव्यू में दिबाकर कहते हैं वो नहीं जानते कि अभी इस फिल्म को रिलीज करने का सही समय है या नहीं। नेटफ्लिक्स मुझे इसके अलावा फिल्म की रिलीज नहीं करने की कोई और वजह नहीं बताई। तांडव के साथ जो हुआ उसे देखते हुए सिर्फ इस नतीजे पर पहुंचा जा सकता है कि नेटफ्लिक्स डर के मारे इस फिल्म को रिलीज नहीं करना चाहती, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उन लोगों को उसी तरह से टारगेट किया जाएगा। मगर मैंने जो फिल्म बनाई है वो उस सीरीज से बिल्कुल अलग है। दिबाकर अपनी बातचीत में आगे जोड़ते हैं, ये किसी भड़काऊ घटना पर आधारित फिल्म नहीं है, ये एक साधारण मिडिल क्लास परिवार की तीन पीढ़ियों के दैनंदिन जीवन के बारे में है। मगर अब मेरी फिल्म के साथ जो हो रहा है वो काफ़ी हद तक मेरी फिल्म के नायक की कहानी जैसा होता जा रहा है। मेरा मानना ये है कि मेरे करियर की सबसे अच्छी फिल्म है ये। हालांकि इसकी थीम यूनिवर्सल है, मगर ये उस दर्शक वर्ग के लिए बनी फिल्म है जिन्हें मेरी पिछली फिल्में याद हैं और वो मेरी बनाई फिल्मों को देखने के आदी हैं। मुझे ये बात दुखी करती है कि वो ये फिल्म नहीं देख पाएंगे। इसलिए अब दिबाकर बैनर्जी देश विदेश के तमाम डिस्ट्रीब्यूटरों और प्रोड्यूसर्स के साथ बातचीत कर रहे हैं ताकि उनमें से कोई उनकी फिल्म को नेटफ्लिक्स से खरीद कर रिलीज कर दे। इसी के साथ इस खबर में इतना ही। इस पर क्या है आपकी राय में कमेंट सेक्शन बताएं। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारे साथी श्वेतांक ने। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं गरिमा और उम्मीद करती हूं कि आपको सनराइज मसालों के साथ बिहार की हमारी यात्रा लपलप स्वाद बिहार का पसंद तो आ रही होगी। इस जर्नी ने मुझे इस इतिहास से भरे प्रदेश का असली स्वाद जानने का मौका दिया। आप लोग भी हर रविवार को लपलप स्वाद बिहार का एक नया वीडियो देखिए। सनराइज बिहार के इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल पर जाइए और जवाब दीजिए एक आसान से सवाल का। आपको अपना जवाब कमेंट करना है और आप जीत सकते हैं आईफोन टैबलेट और सनराइज हैम्पर्स। नीचे दिए गए हैंडल्स पर जाइए और हर हफ्ते अपने जवाब कमेंट्स में बताइए।